साहस के साथ विशाल में जाता है। विशाल के सीने पर लगने के बाद उसे विशाल का हाथ दिखाई दे रहा था। यह पूरी तरह सड़ चुका था। दूसरे हिस्से को इंसेक्ट और पक्षी खा रहे थे। यहाँ उनकी आंखों पर एक अजीब सी चीज छाई हुई है। यह उसकी आंखों को एक तालाब का रूप दे रहा था। स्टीवन सोचता है कि उसकी आंखों में उसकी परछाई देखते हुए दर्द का क्षय होना उस दर्द से कम है जो उसे अकेलेपन ने दिया था। फिर वो चला जाता है। अगले दिन स्टीवन देखता है कि विशाल के हाथ और पैर सड़ गए हैं। अब वो अपने शरीर को देख रहा था। विशाल के शरीर का अपमान किया जा रहा था। इंसानों के अलावा कोई और नहीं था जो उसका अपमान कर रहे थे। दैत्य भी मानव सदृश प्राणी था। अगले दिन विशाल के पास पहुंचने पर उसने देखा कि विशाल का सिर भी हटा दिया गया है। पक्षी और कीड़े विशाल को खा रहे हैं। सिर के बिना उसका शरीर इंसानों जैसा नहीं लग रहा था। इसके साथ स्टीवन के विशाल के साथ संबंध बिगड़ गए, जिसे लाश ने बनाया था। फिर वो कुछ दिनों तक समुद्र तट पर नहीं आया। कुछ हफ्तों के बाद जब वो बीच पर आते हैं तो उसे देखकर चौंक जाते हैं। विशाल पूरी तरह से समाप्त हो गया है। विशालकाय की सड़ी हुई कमर ही बची है। अब वे सभी विशालकाय में रुचि खो देते हैं। लोग कुछ महीनों के बाद दैत्य की एंट्री भूल जाते हैं। हर जगह सजाने वाले टुकड़ों के रूप में विशाल के अलग अलग हिस्से थे। एक दिन साइकिल चलाते समय स्टीवन ने जमीन में विशालकाय की खोपड़ी को देखा। उनका मानना कि अगर वो खोजेंगे तो उन्हें आंख और नाक की हड्डियां भी मिलेंगी। स्टीवन के अनुसार विशाल की हड्डियों द्वारा सजावट के टुकड़े अच्छी तरह से बनाए गए थे। स्टीवन के दिमाग में जो यादें हैं उसके अलावा शरीर के कुछ हिस्सों को भी सकस में रखा गया था। वैज्ञानिक कहते हैं कि जिसने विशाल को देखा है वे उसे राक्षस मानते हैं। जो मर गया था उसके लिए दैत्य अभी भी जीवित था। वो अक्सर अपने सपने में देखता है कि विशाल अपने शहर से गुजर रहा है। समुद्र में वापस जाने के लिए वो शहर से अपने शरीर के अंग एकत्र कर रहा था। यह फिल्म हमें एक गहरा संदेश देती है। एक इंसान दूसरे लोगों के जीवन में कैसे प्रवेश करता है और उन पर अपनी छाप छोड़ता है। वो लोगों को सिखाता है और लोगों से सीखता है। जब वो दुनिया छोड़ देता है तो लोग उसे दिन, महीने और साल भी भूल जाते हैं। कोई उसे याद नहीं करता। वैसे ही हमने इस फिल्म में देखा था, एक विशाल कैसे आया और दूसरों को आकर्षित किया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आप लोग देख सकें।